आज बिग बॉस के घर में होने वाला एक बहुत ही बड़ा एविक्शन, आपको बता दूं कि आज मिडवे के एविक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और अगर मिडवे एविक्शन होता है यानी कि आज एविक्शन होता है तो क्या क्या चीजें होंगी और कौन कौन है जो घर से बेघर होने के बहुत ज्यादा चांस है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। एक चीज अगर देखा जाए तो यार, ये जो मिडवे एविक्शन वाली बात थी वो हमारे कानों में बहुत पहले डाली गई थी और बताया भी गया था कहीं ना कहीं कि आज कोई ना कोई बिग बॉस के घर को अलविदा कह सकता है। और साथ ही साथ हमको इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई इस समय जो तीन लोग नॉमिनेशंस में थे उसमें से एक नाम जो है बहुत अच्छी तरीके से सेव हो गया है और बहुत ज़्यादा वोट्स के साथ। तीन लोग नॉमिनेशंस में थे, एल्विश, जयशंकर और मनीषा रानी। इस समय अगर देखा जाए, जो नाम मैं क्लियरली बता दूँ, जो नाम सेफ है, जिसको बहुत ज़्यादा वोट्स मिला है और बाहर से उनका फैंडम जो है वो उनके लिए सपोर्ट भी कर रहा है इस समय, तो वो नाम जो है वो एल्विश यादव का है। एल्विश यादव जो है वो इस हफ्ते के लिए सेफ हो चुके हैं। लेकिन जो नाम सबसे नीचे है, जिसको सबसे कम वोट्स मिले हैं, वो नाम जिया शंकर का है। और सेकंड नंबर पे जो नाम है वो मनीषा रानी का है। लेकिन फिर भी एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि भाई अगर आज सिंगल इलेक्शन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज अगर सिंगल इलेक्शन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा चांस जो है वो जिया शंकर के जाने के, अंटिल एंड अनलेस बिग बॉस या मेकर्स अगर कोई गेम ना खेल दें, समझ रहे हो। अगर बिग बॉस और मेकर्स का प्लानिंग यही रहेगा कि उनको मनीषा रानी को ही निकालना है और जिया को सेव करना है तो वे ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा और सबसे आगे अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो जिया शंकर के ऊपर दिखाई दे रही है मनीषा रानी। लेकिन उसी के साथ साथ अगर डबल इविक्शन होते हैं तो फिर तो उसमें अपन कुछ बोल ही नहीं सकते, जिया और मनीषा दोनों को ही बिग बॉस के घर से बाहर आना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है, इस पर आपकी क्या राय है। फिलहाल जो भी अजम्पशन आ रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो कोई कह रहा है डबल इविक्शन होगा, कोई कह रहा है नहीं भाई सिर्फ जिया आउट होंगी, कोई कह रहा है कि मनीषा और जिया दोनों आउट होंगे, कोई कह रहा है मनीषा को निकाल ही नहीं सकते। इन सारी बातों पर आपकी क्या राय है, इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या डबल इविक्शन होगा या सिंगल इविक्शन होगा, क्या मनीषा रानी बिग बॉस के घर से बाहर होगी या जिया शंकर बिग बॉस के घर से बाहर होगी, हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।